हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल फ़ोन का सारा डेटा टीवी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास ये एंड्रॉयड मोबाइल है और मेरे पास देख सकते हो ये एंड्रॉयड टीवी है। तो मोबाइल फ़ोन का डेटा मैच कुछ डेटा जो है फ़ोटो, म्यूज़िक, वीडियो या फिर कुछ भी हो, वो मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा अपने टीवी में। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि अपने मोबाइल फ़ोन का सारा डेटा ट्रांसफ़र कैसे करना होता है, सारा डेटा मतलब आप जो डेटा शेयर करना चाहते हैं वो डेटा शेयर कर सकते हो। टीवी में एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए आपके पास, तभी ये सब चीज़ पॉसिबल है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास दो एंड्रॉयड टीवी है तो एक एंड्रॉयड टीवी से आप चाहो तो दूसरे एंड्रॉयड टीवी में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी तरह का वायर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये सब कुछ वायरलेस होता है। जिस तरह से हम दोस्तों एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपना म्यूज़िक फाइल, वीडियो अगर हम शेयर करते हैं तो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से टीवी का एक अलग एप्लीकेशन आता है। मुझे पता है उस एप्लीकेशन के बारे में आप नहीं जानते होंगे। बस आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, हम आपको पूरी अच्छी तरह से सिखाएंगे। और जिस स्पीड में हम मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल टू मोबाइल, उससे भी ज़्यादा स्पीड में मोबाइल से टीवी में डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप फॉरवर्ड मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टीवी स्क्रीन पे और साथ में ये मोबाइल फ़ोन लेके आए हैं। दोस्तों, इसी मोबाइल में से हम कुछ डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे आपको अपने टीवी में, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं बता दूं कि वीडियो को थोड़ा सा भी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है गूगल के प्ले स्टोर में जाके, जिसका नाम है सेंड फाइल टू टीवी। आप यहां पर देख सकते हो ये एप्लीकेशन है सेंड फाइल टू टीवी, वही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा अपने टीवी में भी। तो आप यहां पर देख सकते हो गूगल के प्ले स्टोर में ही भी आपको ये एप्लीकेशन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, क्या करना होता है, सबसे पहले आप जिस फ़ोन से अपना डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो उस फ़ोन का हॉटस्पॉट क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं इस फ़ोन से अपना डेटा ट्रांसफ़र करूंगा टीवी के साथ, तो मैंने इसी फ़ोन में हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया और इसी हॉटस्पॉट से मैं अपने टीवी में जो है वाईफाई कनेक्ट करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रियलमी 2 फ़ोन है, तो ये रियलमी 2 फ़ोन है, तो वो कनेक्टेड हो गया। मैंने इस फ़ोन से हॉटस्पॉट क्रिएट किया था और वो कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है अपने फ़ोन में भी और अपने टीवी में भी। तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब यहाँ से दोस्तों दो तरह का, एक सेंड का ऑप्शन आता है, एक रिसीव का भी ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप दो टीवी में यूज़ करते हो, मतलब दो टीवी से डेटा ट्रांसफ़र करते हो एक दूसरे में, तो एक में सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है, दूसरे में रिसीव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टीवी के तरफ हम जाते हैं और नीचे वाले को सेलेक्ट करके रिसीव वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में सेंड वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है हमें कौन सा डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो मैं कुछ भी, चलिए हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हम सेंड करके दिखाते हैं। जैसे डाउनलोड फाइल में हम मेरा कुछ फ़ोटो है उसको हम सेंड करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे हम कुछ फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो ये मेरे टीवी का नाम यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो AL पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्लिक कर दे, जैसे ही क्लिक करेंगे डेटा ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुल। इतना फास्ट डेटा ट्रांसफ़र मैंने कभी नहीं देखा है दोस्तों। जैसे मैं मोबाइल में तो बहुत ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र वाला कोई एप्लीकेशन नहीं देखा है। चलिए, मूवीज़ इन में मैंने कुछ वीडियो शूट करके रखा है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, ये देख सकते हो ये मैंने फाइल में सेलेक्ट किया था, ये मूवीज इनसे मैंने कुछ वीडियो शूट किया है, तो ये 71 MB का डेटा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे टीवी का नाम आ चुका है, जैसे AL पॉइंट था मेरे टीवी का नाम, यहाँ पे IP एड्रेस जो भी था वो आ गया है। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए कितना फास्ट ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर टीवी में भी आप देख सकते हो रिसीव हो रहा है डेटा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ से ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब 71 MB का जो डेटा है वो देखिए करीब हमको लग रहा है 10 सेकंड भी टाइम नहीं लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज भी वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। अब चलिए हम वो जो डेटा मैंने ट्रांसफ़र किया था वो मैं आपको टीवी में प्ले करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे एक ब्राउज़र आपको दिख रहा होगा, सॉरी मीडिया प्लेयर, इस मीडिया प्लेयर को हमें क्लिक करना है। ये मीडिया प्लेयर आपको दिख रहा होगा,
चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। मीडिया प्लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसडी कार्ड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों इंटरनल इसका एसडी कार्ड है, मैंने कोई एक्सटर्नल एसडी कार्ड नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने फाइल रिसीव किया था वो एक वीडियो था, तो मुझे यहाँ पे देखना होगा कि कौन से फाइल में वो आया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल आके स्टोर हुआ है, ये डाउनलोड वाले फाइल में यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये वीडियो प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था कुछ, तो ये वीडियो प्ले हो गया। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।